जल्दी चुभती गर्मी में अगर आप नेचुरल तरीके से अपने फेस के ऊपर पिगमेंटेशन, डिस्कलरेशन, डार्क स्पॉट्स, ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड्स, डिस्कलरेशन को हटाना चाहते हैं तो आज का टोमेटो फेशियल जरूर देखना। मैं ऑन स्क्रीन लाइव एग्जांपल दिखाऊंगी किस तरीके से मेरी स्किन इंस्टेंटली ग्लोइंग होगी इस वाले फेशियल को ट्राई करने की वजह से। चलिए शुरू करते हैं। Human hearts aren't so lucky. Those battle scars remain. Oh, I can't let go of the one thing. Winters के लिए मैंने आप लोगों से honey facial share किया था, बहुत अच्छी रेमेडी थी, आप लोगों को बहुत पसंद आई। आप कमेंट सेक्शन में जाके देख सकते हैं कितने लोगों को फ़ायदा मिला है मेरे honey facial की वीडियो से। क्योंकि समर आ गया है तो समर में स्किन और भी ज़्यादा डल, ड्राई, डैमेज हो जाती है, तो समर के लिए टोमेटो फेशियल से बढ़िया फेशियल तो कुछ हो ही नहीं सकता है। तो इसीलिए ये वीडियो का एंड तक देखना आपका बहुत ज़रूरी है। सब कुछ नेचुरल होने वाला है, किफ़ायती, और ऐसी चीज़ें मैं यूज़ कर रही हूँ जो आपको ईजिली अपने किचन में मिल जाएगी और कमाल का कमाल दिखा के जाएगी आपके स्किन के ऊपर। तो चलिए टोमेटो फेशियल स्टार्ट करते हैं। टोमेटो फेशियल के लिए आपको एक टमाटर लेना है, उसको मिक्सर में अच्छे से ब्लेंड कर दीजिए, उसका पल्प निकाल लीजिए, और सिर्फ 2 चम्मच मैंने एक कटोरी में निकाला है। इससे मैं फेस क्लीन करने वाली हूँ। मैंने टोमेटो फेशियल ही इसलिए चुना है क्योंकि इसके अंदर होता है विटामिन ए, विटामिन सी। टोमेटो के अंदर नेचुरल स्क्राइटनिंग के एजेंट के साथ साथ नेचुरल सनस्क्रीन का भी काम करता है। आपको तो पता है गर्मियों में टैनिंग की प्रॉब्लम कितनी ज़्यादा हो जाती है। सनस्क्रीन आपको लगाना है, लेकिन अगर आप नेचुरली ऐसा फेशियल करोगे जिसके अंदर नेचुरल सनस्क्रीन होगा तो और भी ज़्यादा इफेक्टिव होता है। अब इससे आप अपने फेस को क्लीन करेंगे 1 मिनट के लिए। अच्छी तरीके से अपना फेस टमेटो पल्प से क्लीन कर दीजिए। गाइस, अगर आपके ओपन पोर्स, एक्ने, सनबर्न, डल स्किन की प्रॉब्लम होगी तो मेरा ये टमेटो फेशियल उससे भी आपको मुक्ति दिलाएगा। अगले प्रोसेस में आपको फेस स्टीमिंग करना है। इसके लिए आप मशीन वाला जो स्टीमर आता है वो यूज़ कर सकते हैं, पतीली में गर्म पानी डाल के भाप ले सकते हैं, या फिर अपने किसी भी कॉटन के टॉवल को गर्म पानी में डिप कर दीजिए, पानी निचोड़ दीजिए और 1 मिनट के लिए अपने फेस के ऊपर रख दीजिए। स्क्रब करने के लिए यहाँ पे चीनी ले लिया है और चीनी को अच्छी तरीके से कूट देंगे। सारे डेड स्किन की लेयर, व्हाइट हेड, ब्लैक हेड्स, खुदखुदरी सी स्किन हो जाती है, स्किन के ऊपर डेड स्किन की जो लेयर होती है, टैनिंग होती है, उसको रिमूव कर देता है। तो टमाटर को काट दीजिए बीच में से और टमाटर के ऊपर आप चीनी को इस तरीके से डिप कीजिए और चीनी टमाटर से आप अपने फेस के ऊपर स्क्रब करेंगे। 1 से 2 मिनट के लिए ही स्क्रब काफ़ी होता है। उसके बाद बारी आती है मसाज करने की और मास्क की। तो मसाज और मास्क दोनों एक ही स्टेप में हम कर रहे हैं। यहाँ मैं आपको आटा और बेसन दोनों दिखा रही हूँ। इन दोनों में से कोई सा भी एक आपको लेना है। मैंने फिलहाल बेसन लिया है। बेसन बहुत ही अच्छे से आपके स्किन से टैनिंग हटा देता है और आटा आपके स्किन के ऊपर स्किन व्हाइटनिंग, ब्राइटनिंग का इफेक्ट लेके आता है। दोनों ही काफ़ी अच्छे हैं, आप दोनों में से कोई सा भी एक चूज कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे कॉफ़ी भी ऐड कर ली है क्योंकि कॉफ़ी के अंदर भी एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा भरपूर होती है जो इंस्टेंटली ग्लो लाने में, आपके स्किन में ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है। तो यहाँ मेरा पेस्ट तैयार हो गया है। इसके अंदर मैंने हनी भी डाला है। अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है तो हनी ज़रूर डालिएगा, ऑयली है तो आप लेमन डाल लीजिएगा। अब इसको मैंने फेस के ऊपर लगा दिया है कुछ इस तरीके से और थोड़ी देर वेट कीजिए जब ये सूख जाएगा। गाइस, ट्रस्ट मी, अगर मेरे बताए तरीके से आपने टोमेटो फेशियल कर लिया ना तो ये पूरी समर आपका स्किन ग्लो मारता रहेगा। 1 महीने में सिर्फ 2 बार आपको ये टोमेटो फेशियल करना है। बेस्ट रिजल्ट के लिए हर हफ्ते 1 बार टोमेटो फेशियल कर लीजिएगा। आपके स्किन बहुत बहुत ज़्यादा ग्लो मारेगा, इंस्टेंटली शाइनी हो जाएगी। आपकी जो भी एज स्पॉट्स होंगे, फाइन लाइन्स होंगे, रिंकल्स होंगे, पिगमेंटेशन होंगे, उन सबको दूर करेगा। आपको जो हाइपर पिगमेंटेशन हो गया है उसको ठीक करेगा। फ्री रेडिकल से हुए डैमेज को भी ये ठीक करता है और विटामिन सी बहुत अच्छा होता है आपके स्किन ब्राइटनिंग के लिए। 15-20 मिनट बाद जब आपका मास्क थोड़ा सूखने लग जाए ना तब आप थोड़ा सा पानी ले लेना और इस तरीके से उसको गीला करते हुए मसाज कर देना। यहाँ पे तो मेरा मास्क भी लग चुका है, मैं यहाँ पे मसाज भी कर रही हूँ। मसाज के सारे स्टेप्स फॉलो कर लेना। तो गाइस, ये वाला मसाज आपको पूरे 5 मिनट करना है। अच्छे तरीके से सर्कुलर मोशन में पहले गालों से स्टार्ट कीजिएगा और अंदर की तरफ सर्कुलर मोशन में इस तरीके से कीजिएगा मसाज। हर जगह अच्छे से कर दोगे ना मसाज तो ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है और स्किन में ग्लो आता है। और पूरे समर अगर आप महीने में 2 बार भी वाला फेशियल कर लेते हो ना, आपको किसी भी महंगे से महंगे क्रीम या किसी भी चीज़ की जरूरत नहीं पड़ेगी। पार्लर जाना तो भूल ही जाओगे, एक बार घर बैठे मेरा ये वाला फेशियल कर लिया तो। और ये देखिए इंस्टेंट रिजल्ट, लाइव रिजल्ट आपको देखने को मिल रहा है। जैसे ही मैंने इसको कपड़े से हटाया, थोड़ा सा
वाह, क्या ग्लो आ रही है स्किन! मुझे विश्वास नहीं हुआ था कि इतना ज़्यादा वर्क करेगा। इस बार तो बहुत ही कमाल का वर्क किया है, स्पेशली इसलिए भी क्योंकि मैंने अच्छे से 20 मिनट रखा है। अदरवाइज मैं मास्क वगैरह 15 मिनट के लिए ही रखती थी। बहुत बहुत अच्छा वर्क किया है गाइस। तो मेरे ये सारे बताए गए तरीकों को अगर आप फॉलो करोगे, टमेटो फेशियल करोगे, तो आपकी स्किन बहुत ही अच्छा ग्लो मारेगा। एक भी स्टेप को छोड़ना नहीं है, और 1 महीने बाद आके मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। फेशियल का वैसे भी निखार दूसरे तीसरे दिन ज़्यादा देखने को मिलता है अगर मसाज अच्छे से आप कर लो तो। देखो, हर महीने हर रोज़ फेशियल कर पाना आपके लिए पॉसिबल नहीं होगा, तो डेली आपको ऐसी कोई चीज़ अपने फेस पे लगानी चाहिए जिसके अंदर नेचुरल चीज़ हो। और नेचुरल चीज़ से अगर आप फेस वॉश करोगे, जो कि मैं अभी आपको दिखा देती हूँ, एक बेहतरीन फेस वॉश, उबटन वाला। चलो देख लेते हैं उबटन फेस वॉश कैसे काम करता है। अब तक उबटन फेस मास्क मैंने आपको दिखाए थे, पहली बार उबटन फेस वॉश भी दिखा रही हूँ। सबसे खास बात, इसके अंदर ये ब्रश भी मिलता है आपको, तो यूज करने के बाद आप इस ब्रश को इस तरीके से कवर कर दीजिए। ये सिक्योर रहेगा, गंदा नहीं होगा, और ये सारे ब्रशेस आपके स्किन के डीप पोर्स के अंदर जाकर के बैक्टीरिया, डर्ट, ग्राइम, धूल, मिट्टी, सारी गंदगी को हटा देता है। ब्लैक हेड, व्हाइट हेड को भी रिमूव करने में काफी ज्यादा हेल्पफुल रहता है, क्योंकि इसका ब्रश बहुत सॉफ्ट ब्रिसल वाला है, जो हल्के हाथों से आप उसको प्रेस करते हो सर्कुलर मोशन में, तो ब्लैक हेड, व्हाइट हेड, दाने वगैरह को निकालने में बहुत इफेक्टिव है। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि ये वाउ से है। इसके अंदर बेसन, टर्मरिक, सैफरन, आमंड, रोज वाटर और सैंडल ऑयल की गुडनेस है। इसके अंदर कोई भी पैराबेन, सल्फेट, सिलिकॉन, कलर नहीं है, डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है। ये हेल्प करता है आपके फेस को क्लीन करने में और क्लैरिफाई करता है आपके कॉम्प्लेक्शन को। ये 100% वेगन, क्रुएल्टी फ्री, डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है। इसका लिंक मैं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप चाहो तो अपने लिए वहां से परचेज कर सकते हो। इसको यूज करने के लिए आपको नॉर्मल पानी से अपना फेस वेट कर लीजिए, एक पंप काफी होता है, एक पंप कीजिए और सर्कुलर मोशन में अपने फेस के ऊपर इस तरीके से इसको घुमाइए, और 1 मिनट के लिए अपने फेस को हल्के हाथों से मसाज दीजिए, फिर नॉर्मल वाटर से अपना फेस वॉश कर लीजिए। यह आपके स्किन के इम्प्योरिटीज को भी हटाता है और इंटैक्ट रखता है आपके ग्लो को, और स्किन को हाइड्रेट भी करता है। वहाँ के सारे प्रोडक्ट्स केमिकल फ्री होते हैं, पैकेजिंग फैंटेबुलस होती है, इजी टू यूज और इफेक्टिव रिजल्ट के साथ आप वाव का उबटन फेस वॉश ट्राई कर सकते हैं। इसका जो बिल्ट इन फेस ब्रश है, उसके अंदर सिलिकॉन ब्रिसल्स हैं, जो कि बहुत ही सॉफ्ट है और डीपली क्लीन करता है स्किन को, पोर्स को, तो इस तरीके से आपकी स्किन को हेल्दी बनाने में बहुत हेल्प करता है। सो गाइस, आज का एपिसोड अगर आपको पसंद आया हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। आपसे फिर मिलूंगी, तब तक के लिए बाय।